Hello everyone, I am Maulik Rawal, chess coach from Sports Authority of Gujarat. Aaj hum discuss karenge Tromposki variation from black side. Let's check. D4, knight f6. Now bishop g5. Now you can play knight e4, threat on bishop. Knight into g5. So bishop f4. Yahan pe तीन ऑप्शंस हैं ब्लैक से, g5, d5 और c5. मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं d5, सेंटर कंट्रोल. नाउ सिंपल पीस डेवलपमेंट, नाइट f3, c5. c5 यहां पे मेन प्लानिंग है क्वीन b6, थ्रेट ऑन b2 पॉन, क्योंकि व्हाइट का बिशप अर्ली f4 पे आ चुका है, तो आप थ्रेट दे सकते हैं b2 पे. So c5, now e3, जो हमने प्लान किया था वैसे ही खेलेंगे, क्वीन b6, now b3, now simple c into d4, e into d4, pawn capture. You can pause the video, it's black to play and win. Pawn sacrifice आ रहा है ये मूव में. e5 काफी स्ट्रॉन्ग हुए ये e5. तीन ऑप्शन है, d into e5, bishop into e5 और knight into e5. पहले d into e5, इसमें सिंपल मैटिंग वन queen into f2. सेकंड ऑप्शन जो है वो है bishop into e5. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो अगेन, फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक. बिशप b4 चेक, ये डायगोनल काफी वीक है क्योंकि बिशप e5 पे है. अगर f4 पे होता तो बिशप d2 पॉसिबल. सो बिशप b4 चेक. नाउ नाइट bd2. अब हम ये नाइट को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि दो अटैक हमारे ऑलरेडी है यहाँ पे. नाइट को सपोर्ट कर रहा है ये f3 वाला नाइट. सो वी कैन प्ले बिशप g4, थ्रेट सिंपल बिशप इनटू f3. अगर व्हाइट यहां पे खेलेगा बिशप e2, देन सिंपल बिशप इनटू f3, g इनटू f3 एंड नाइट इनटू d2, विनिंग फॉर ब्लैक. थर्ड ऑप्शन नाइट इनटू e5. इसमें भी सेम प्लान कर सकते हैं, बिशप b4. अगर बिशप d2 खेला, अब हम खेलेंगे क्वीन इनटू d4, थ्रेट है क्वीन इनटू f2, चेकमेट एंड क्वीन इनटू a1. सो नाइट d3, हमारे बिशप पे भी थ्रेट है अभी. सो नाउ ब्लैक टू प्ले, क्या खेलना चाहिए? सिंपल मूव बिशप इनटू d2, नाइट इनटू d2, शॉर्ट कैसल. नाउ व्हाइट खेलेगा नाइट इनटू e4, क्योंकि अटैक काफी है ब्लैक का, तो पीस एक्सचेंज करने की ट्राई करें व्हाइट. नाउ d इनटू nf4. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड फाइंड द बेस्ट मूव फॉर ब्लैक. Let's check Queen C3 check. अगर यहाँ पे ब्लैक खेल रहा है Queen D2, then Queen into Rook, so King E2, now Bishop G4, lost position for White. Thank you.